उत्तर प्रदेश में 12 जिलों की 53 सीटों के लिए मतदान जारी है। हम रायबरेली की बात करें तो यहाँ प्रशासन चौकस है, कमिश्नर और डीआईजी खुद यहाँ जायजा ले रहे हैं और उनसे बात की हमारे रिपोर्टर शेखर ने। हमारे साथ इस समय कमिश्नर और डीआईजी साहब हैं, उनसे समझते हैं कि किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। भुवनेश जी हमारे साथ कमिश्नर हैं, बताइए सर किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है, कितना संतुष्ट हैं? 2000 से भी ज्यादा पोलिंग स्टेशन हैं। सुबह कुछ समस्याएं आई ईवीएम की, लेकिन सारी रिजोल्व कर दी गई हैं और अब कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मतदान बड़े सुचारू ढंग से चल रहा है और अच्छे इंतजाम किए हैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने। मुझे पूरी उम्मीद है कि चुनाव शांतिपूर्ण होगा, स्वतंत्र होगा, निष्पक्ष होगा। मंडल से क्या सूचनाएं आ रही हैं आपके पास? आज केवल एक ही जनपद है, बाकी जनपदों का चुनाव जो है दूसरे और तीसरे चरण में हो चुका है, आज केवल रायबरेली बचा हुआ मंडल में। आप बताइए कि कानून व्यवस्था को लेकर के यहाँ हनक की सियासत बहुत है रायबरेली में, तो कितना आप निश्चिंत हैं? नहीं, मैं जो भी हमारे सारे इंतजाम किए गए हैं बहुत अच्छी तरीके से, हमारी सेक्टर स्कीम है, जोनल स्कीम है और हर थाने पे कम से कम 7 से 8 मोबाइल्स हैं, सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, सब भ्रमणशील हैं और हनक इसमें के निर्वाचन आयोग की रहेगी और बाकी किसी चीज की नहीं। कल रात में थोड़ा तनाव हुआ यहाँ पे? नहीं, उतना नहीं, वो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, इसमें हम लोग निष्पक्ष होकर के हर शिकायत को देख रहे हैं और उसका गुणदोष में निस्तारण करा रहे हैं। और चलिए हम अपने संवाददाता का ही रुख कर लेते हैं रायबरेली से, शेखर हमारे साथ बने हुए हैं। शेखर, अभी आप ही की रिपोर्ट हम देख रहे थे, मतदान सुचारू रूप से किस तरह से चल रहा है और व्यवस्थाएं किस तरह की हैं, लेकिन आप क्योंकि 4 घंटे बस होने वाले हैं, मतदान शुरू हुए हैं, कितना परसेंट वोटिंग हो चुकी है, क्या अपडेट है इस पर? देखिए करीबन 15-16% के आसपास वोट पड़ चुका है और सभी जगहों पर, जो भी यहाँ पर 6 विधानसभाएं, सभी जगहों से मेरे पास सूचनाएं आ रही हैं। सरेनी में भी ठीक ठाक वोट पड़ा है, इसी तरीके से ऊंचाहार में भी ठीक ठाक वोट पड़ा है और मैं आपको बताऊं कि गांव के बहुत सारे इलाके हैं, मैं लाइव खत्म होने के बाद कोशिश करूंगा कि एक आधा आपको रूरल एरिया का भी सीन दिखाऊं, वहां से भी लोग बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकले हैं और मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। शहरी इलाकों में तो देखिए छुट्टी हो जाती है, लोग वोट डालने के लिए ही प्रॉपर एक दिन मिल जाता है उन्हें, लेकिन गाँव में ऐसा नहीं है। जो खेती किसानी है वहां पर लोग अपनी इच्छा से, उनके अंदर की जो इच्छा है ना, वो आज के दिन बहुत जोर मारती है क्योंकि उनको किसी के लिए छुट्टी नहीं करनी है, उनको अपना कामकाज किनारे करके और वोट के लिए लाइन में लगना है। पोलिंग बूथ पर भी जो पार्टियां थी, पोलिंग पार्टियां थी, वो भी पहुंची हैं, सुबह ही पहुंच गई थी और उन्होंने भी अपनी तैयारी खास कर रखी थी, इसलिए गांव हो या शहर का इलाका हो, वोट यहां पर पड़ रहा है। अब उसकी क्रम जो है वो कभी एकदम से बढ़ जाता है और कभी थोड़ा सा थम जाता है। बिल्कुल, तो चाहे गांव हो या शहर, मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। चलिए बने रहिए शेखर, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है वो दर्शकों को बता देते हैं, महोबा से आ रही है, यहाँ का चरखारी विधानसभा है महाराजपुरा में, लेकिन खबर यह है कि यहाँ अब तक कोई मतदान शुरू ही नहीं हो सका, गांव वालों ने बुनियादी सुविधाएं ना होने को लेकर वोटिंग का बहिष्कार किया। तो देखिए चरखारी विधानसभा के महाराजपुरा में गांव वालों ने बहिष्कार ही कर दिया है वोटिंग का, मतदान यहां शुरू ही नहीं हो पाया और मुद्दे उनके यही हैं कि उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली और उन्हीं सुविधाओं के अभाव को देखते हुए उन्होंने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है। तो 53 सीटों की पल पल की तस्वीरें हम आप तक देते रहेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथ रायबरेली से शेखर बने हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जेपी शुक्ला जी भी बने हुए हैं, आपसे भी बहुत सी और जानकारियां लेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए। पूरे प्रदेश में जनता के अंदर एक उत्साह का वातावरण है, ये है 4th चरण का चुनाव जो हो रहा है, जैसे 3 चरण निपटे हैं ऐसे इसमें भी मैं जनता से अपील करती हूं कि चढ़ बढ़ करके हिस्सा लें, अपने मत का प्रयोग करें। ये एक प्रजातंत्र का महायज्ञ है, जिस यज्ञ में सबको अपनी आहुति देनी चाहिए, एक भी मत नहीं खराब करना चाहिए।